क्या हुआ आफरीन, अपनी आंखें क्यों मसल रही हो? यार मुझे लगता है मुझे आई इन्फेक्शन हो गया है। ओह नो, आजकल कराची में आशूबे चचन तेजी से फैल रहा है। आइए हम जानते हैं डॉक्टर जकीउद्दीन साबरी से कि ये फैलता कैसे है और इससे बचा कैसे जा सकता है। आशूबे चचन आजकल कराची में उसी पैमाने पर है। मुझे एक वायरल इन्फेक्शन है जो कॉन्टेक्ट के जरिए भी फैलता है एक दूसरे से, खुश बच्चों में, बड़ों में भी। चीज इसमें आँख शदीद लाल हो जाती है, तकलीफ भी रहती है, कुछ ऐसा लगता है फोन फोन सा आ गया और कभी कभार इसमें डिस्चार्ज भी रहती है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ी सी एहतियात चीज़ें एहतियात करें। मसलन जिसको अगर ये हो गया हो तो वो अपने तौलिए और ये ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जो हैं वो अलग रखें, दूसरे उसको इस्तेमाल ना करें। हाथों को बार बार आँखों को बार बार हाथ ना लगाएं अपने, हाथों को अच्छी तरह कई पद में धो लिया करें ताकि वायरल इन्फेक्शन के रोग कम हो सके। इसके अलावा बाहर आने जाने में भी थोड़ा सा तकलीफ रहती है एहतियात करें। इसके अलावा अच्छे किसी अच्छे माल या डॉक्टर से मशवरा करके उसके लिए बनाएं फिर तजवीज़ की जाती हैं की जाएंगी। ये आमतौर पर 5 से 7 दिन और 10 दिन का रहता है, उसके बाद एक ठीक हो जाता है, लेकिन दवाओं के जरिए से ज़्यादा होते इसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है खुद बच्चों में, अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं और किसी इन्फेक्शन से तो उनको रोकें ताकि इससे और बच्चों को ना लगे। इससे घर में बच्चों को तो एक दूसरे बच्चों में खुश ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं, लेकिन आपस में कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, बड़े लोग ज़्यादा। तो उम्मीद है कि इस एहतियात के जरिए हम इसको कर सकेंगे।